नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, आम दिन चार रहे ना रहे। आज के युग में आमतौर पे लोग लंबे और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। ऐसे में कोई तरुण अपनी तरुणाई को पूरे समाज और राष्ट्र के लिए झोंक दे तो बड़ा अचंभा होता है। आज हमारे सामने हैं ऐसे ही एक युवा तरुण जो वृक्ष चोर से वृक्ष पुरुष में तब्दील हो गए, विष्णु लांबा। विष्णु, कैसा लगता है वृक्ष पुरुष बनने पर? ये तो राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम जो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं, जो मेरे मिशन को फॉलो कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उन सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है उनका कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है, नहीं तो गांव में पौधा चोर बोलते थे। ऐसे क्या कारण था कि पर्यावरण के को लेकर इतने जज्बातों के साथ आप जुट गए? पर्यावरण को लेकर मैं मेरी माँ के साथ बचपन में गांव में एक हेडपम्प हुआ करता था चौराहे पर, मैं जब उनके साथ गया मटकी वो सर पर रख करके और जा रही थी, मैं उनके पीछे पीछे चला गया, नंगा ही था। तो उन्होंने कहा कि कहाँ चलेगा, मैंने कहा मैं भी चलूँगा आज आपके साथ। मैं गया तो वहाँ रेवड़ी होती है, गोबर को रखते हैं लोग जानवरों का, उसमें एक आम की गुठली से कौपल एक निकलती हुई पेड़ नया नज़र आया, बड़ा अच्छा लगा वो पेड़। पहली बार मैंने वो वहाँ देखा, मैंने माँ से कहा माम, तो उन्होंने कहा कि तेरे को चाहिए, मैंने कहा, तो उन्होंने अपनी झोली में उसको डाल करके घर ले आए। हम दोनों माँ बेटों ने उसको आके लगाया पहली बार। उसके बाद फिर शौक हुआ कि और पेड़ उखाड़े और उखाड़े और उखाड़े, फिर लालच हो गया। फिर गांव में लोग सुबह उधर जंगलों में जाते हैं तो उधर खूब सारे मिर्ची टमाटर उग जाते हैं खूब सारे, तो हाथ में छोटी छोटी डंडियाँ लेकर के हम कुछ टीम बना ली मैंने, वो ऐसे कर लेते कि भाग करके जाते राउंड कर लेते कि मेरे पेड़ हो गए, ये मेरे पेड़ हो गए, तो वो फिर हमारे हो गए और उनको उखाड़ लाते घर पर ला के लगाते। वो शौक बढ़ता गया बढ़ता गया, जो मेरे साथ टीम में थे वो लोग कुछ दिनों का जोश रहा उठता गया, अब मेरा बरकरार रहा तो यहाँ तक पहुँच गए। एक बच्चे के दिमाग में तो सीधी सीधी बात नहीं आ सकती कि आखिर में वृक्षों को बचाने का, वृक्षों को बढ़ाने का कोई अभियान चलाया जाए। इसके पीछे परिवार का हाथ, परिवार का हाथ, परिवार का हाथ निश्चित रूप से। मेरा परिवार बड़ा संस्कारी था, मेरे माता पिता देवतुल्य हैं मेरे लिए, और जो मेरे रास्तों में संघर्ष के रास्तों मेरे लिए जो भगवान बनकर आए ऐसे भी लोग रहे, मैं जिक्र करना चाहूँगा। आपकी माताजी ने ये नहीं कहा कि विष्णु पढ़ाई लिखाई करो, घर बसाओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, कुछ हमारी मदद करो, आगे इस लायक बनो, लेकिन ये कहा। लेकिन फिर बाद में जब उनको पता चलने लगा, कुछ सालों बाद मैं साधु बनने चला गया, मुझे दीक्षा नहीं दी गुरुजी ने, सन्यासी हो गया, चला गया जूना अखाड़े, पहुँच गया दूधिया बालाजी संत आश्रम टोंक में, मैं खूब रहा बनास के किनारे, मैंने खूब भस्म रमाई वहाँ पर शमशान में जाकर के, खूब सारे काम कर लिए। प्रेरणा किससे मिली ये सब आखिर में अचानक? ये प्रेरणा पर्यावरण से जोड़ने की प्रेरणा स्रोत तो मेरी माँ है, जिनके साथ मैंने पहली बार पेड़ लगाया। ये जो आपका वृक्षारोपण का ये हरियाली का अभियान कब शुरू हुआ, कैसे अभियान शुरू? में बचपन से मैंने ये काम कर रहा था मैं, और मेरे पिताजी पहली बार मुझे संघ की शाखा भी लेके गए थे गाँव में, तालाब के बीच में जब पानी नहीं था तो उसमें शाखा लगती थी, तो फिर संघ के संपर्क में आ गया तो शाखा बराबर जा रहा था, जयपुर आने के बाद भी जाने लगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिल गए कि मैं जब ताऊ जी परेशान हो गए कि अब ये पढ़ाई कर नहीं रहा है और ये कभी कहाँ भग जाता है, कभी कहाँ भग जाता है, और कहीं एक जगह टिक नहीं पाया, छोटे जीवन में कई सारे कालखंड इसने जी लिए। पढ़ाई भी नहीं हुई? पढ़ाई मैंने करी, बीए मैंने कर ली, बीजेएमसी कर ली, लेकिन वो जिसकी बदौलत करी मेरे माता पिता और गुरु के बाद में, हालांकि मेरे को दीक्षा उन्होंने नहीं दी थी लेकिन मैं तो माँ गुरु ही मानता हूँ उनको, वो देह त्याग चुका, उन्होंने त्याग चुके वो कृष्णदास जी फलारी महाराज, तो माता पिता और गुरु के बाद में इंसान के शरीर में जो मुझे भगवान नजर आया, वो एक ही व्यक्ति दुनिया में जिसको मैं भगवान कह सकता हूँ, और वो धन प्रकाश जी त्यागी हैं, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, 99 साल के युवा हैं। धन प्रकाश त्यागी अगर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता आज विष्णु लांबा वृक्ष पुरुष नहीं तो होता। क्या उन्होंने उनको पता चला 10वीं क्लास में, मेरे ताऊ जी ने पिताजी से कहा कि भाई ये नहीं पढ़ पा रहा है, और ये इसको मैंने बहुत मार लिया समझा लिया, ये समझ में नहीं आ रहा इसको क्या चाहता है ये, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करो गांव भेज दो, तो मैंने कहा मैं संन्यास लूँगा वापस, तो तब पिताजी ने कहा कि संन्यास तो अच्छी बात है, मेरे परिवार की हमारी परंपरा रही है, हमारे परिवार में कई सन्यासी होते आए हैं, लेकिन तुम कोशिश ये करो कि आकर के गांव में कुछ तेरा पर्यावरण का काम बढ़ा, खेती बाड़ी कर, और वहाँ पर तू अपना कमंडल अपनी गाय वाय सब रख, कुछ भी कर, और घर वालों ने खूब समझाया शादी कर, तो ठीक है वो मेरे को नहीं अभी दिमाग में है चीज़ें। ये जो कल्पतरु संस्थान है जिसको लेके आपने अभियान शुरू किया, कब शुरू? मेरी मदर सोमवार का व्रत करती थी, उसका उजीवना होता है लास्ट में एंड में, तो वो मांगलियावास अजमेर में करती थी, वो वहाँ गई थी गांव की महिलाओं माता बहनों के साथ में, तो वो वहाँ से कल्प वृक्ष के 3 पत्ते लाई थी, उन्होंने एक पत्ता मुझे दिया कि तुझे पेड़ पसंद है, कल्प वृक्ष का पत्ता है ये, तू रख ले तेरे पास, तेरे को अच्छा लगे, अच्छा रहेगा ये, और दूसरा पत्ता भगवान के, हमारे चारों जनाथ का मंदिर है, मेरे पिताजी उसके मंत हैं,
उसमें उन्होंने रखवा दिया। तीसरा उन्होंने कहा अनाज के कोठे में रख दे, कभी अनाज खत्म नहीं होगा, इसे कल्प वृक्ष है ये। तो वो कल्प वृक्ष दिमाग में घूम गया कि वो मैं कभी देखूंगा, तो वो नाम था दिमाग में, चलता रहा। बाद में लोगों ने मुझे समझाया, कई सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी नेता जनता जुड़ती गई, तो लोगों ने कहा कोई रजिस्टर वो बनाओ, एनजीओ बनाओ। तो मैंने कहा एनजीओ की इमेज अच्छी नहीं है, प्रोजेक्ट फंड ये चोरा कुत्ती सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी थोड़ी तुम प्रोजेक्ट लो या फंड लो या कोई समझौते करो, लेकिन बनाओ, किस छत के नीचे तुम रह रहे हो, किस बेस पर काम कर रहे हो, वो जरूरी है। हमने नाम रखा तो वो संघ के संस्कार थे, हमने रखा अखंड भारत कल्पतरु संस्थान। तो अखंड भारत पर चिड़ हो गई हमारे प्रशासन को, मैं लड़ने को तैयार हो गया। तो फिर एक सन्यासी हैं जोधपुर में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा महाराज जी बहुत दुविधा में हूँ और स्थिति ऐसी बन रही कि अखंड भारत पर दिक्कत हो रही लोगों को। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा संघर्ष का समय बाकी है, तुम ऐसा करो अखंड भारत की जगह श्री लगा दो, श्री भगवान का नाम है, विष्णु के साथ श्री रहना जरूरी है, उन्होंने श्री लगा दिया। अब इसमें बात यह है कि जो कहा कि पागलपन है, घर वाले भी तो पागल मानते होंगे तुम? घर वाले पागल मानते थे आज के कुछ सालों पहले तक। क्या कहते थे उसमें? उसमें बोलते थे कि पागल है, ना कुछ समझता है, क्या करेगा हमारे तो बहुत ही। और मैं भी अपने माँ बाप के लिए जो मैंने कुछ नहीं कर सका और नहीं कर पा रहा हूँ कई सारी कारणों से, सब समाज के सामने हैं, तो मैं तो अपने आप को अपने माँ बाप की सबसे नकारा संतान मानता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज माँ बाप जब फख्र से कहते हैं कि विष्णु हमारा बेटा है, ये गाँव में जब लोग बड़े आईएएस आईपीएस या बड़े अधिकारी नेता मंत्री मिलने जाते हैं गाँव में, आज जो गाँव में माहौल बना है, तो वो फख्र से कहते हैं विष्णु हमारा बेटा है। तो जब तो उस समय मुझे लगता है कि हमने सही किया, हमारा निर्णय सही था। चारों ओर अतिक्रमण का हालात है, वन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण विषय हो गया, कैसा लगता है? देखिए जनता को आगे आना पड़ेगा, तंत्र तो चोर है, सरकारें बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, कभी कोई मंत्री दो साल के लिए बनता है, कोई चार साल के लिए बनता है, हमें जिंदगी भर पर्यावरण का काम करना है। हम वो विष्णु लांबा नहीं रहे जो गांव में पौधा चोरते थे। आज समाज ने हमें इस लायक समझा, हम पर विश्वास जताया है, हमें इतना बड़ा खिताब दिया है राजस्थान की जनता ने पर्यावरण के क्षेत्र में, नहीं तो कहाँ ट्रीमेन हम, बहुत बड़ी बात है। अभी तक ये जो कल्पतरु संस्थान है, किस तरह से कितने पौधे ला चुका है, कितने लोगों? कल्पतरु संस्थान ने पिछले सालों में जितना हमने काम किया आज तक, जब से मैं नगर छोड़कर ये सब लगा हुआ हूँ, हम लोगों ने 5 लाख से अधिक पेड़ लगा करके तैयार किए हैं, बड़े कर दिए हैं, कहाँ कहाँ लगाए हैं पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में है, कई सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन भी डाल रखी है, यूट्यूब गूगल सब जगह डाल रखी है। और आज तक सरकार से या किसी एनजीओ से हमने एक रुपया न हम किसी के पास लेने गए हैं, न कोई हमें देने आया है। क्योंकि जब आप ये बताइए, हम 200 विधायकों, राजस्थान में 200 विधायक हैं और मैं सबके साथ पेड़ लगा चुका, वर्तमान बात कर रहा हूँ, 25 सांसद हैं, मैं सबके साथ पेड़ लगा चुका, तो उनको पता नहीं है इस बात का कि विष्णु कैसे काम कर रहा है, क्या करना चाहिए। पर विष्णु लांबा, यहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में ये राजनेताओं से पेड़ लगवाने का क्या शौक है? लोग कहते हैं कि विष्णु लांबा को राजनीति का शौक है, इसलिए राजनेताओं से। राजनीति मेरे जीवन का हिस्सा न कभी थी न कभी रहेगी, ये मैं आज फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में और आप जैसे पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर के सामने मैं कह रहा हूं। राजनेता जो कि पेड़, मेरा मकसद ये है कि विधानसभा में आज वो विधानसभा का जो विधायक है उसको ये भान रहे, उसको ये ध्यान रहे कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊं और पर्यावरण को संभालूं। पर विष्णु, जिन लोगों को, जो लोग जिम्मेदार हैं पेड़ों के कटने के लिए, जो लोग जिम्मेदार हैं वनीकरण के खत्म होने के लिए, जो लोग जिम्मेदार हैं हरियाली को खत्म करने के लिए, जो लोग चारागाह पे अतिक्रमण कर लेते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं अतिक्रमणकारियों को सहयोग देने के, उनसे पेड़ लगवा कर नहीं आप क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, हम सबसे पेड़ लगवा रहे हैं, हमने सन्यासियों से लगवाया, जगतगुरु शंकराचार्यों से लगवा रहे हैं, सारे सन्यासियों से, सारे दरवेशों से, सारे फकीरों से, सारे नेताओं से, सारे अभिनेताओं से, इस धरती पर जो हमसे संपर्क में आएगा हम उसे पेड़ लगवाएंगे, चाहे कोई भी हो। हम काशी में लगा सकते हैं पेड़, तो कराची में भी लगा सकते हैं, हमसे पेड़ की बात कर रहे हैं, पेड़ लगाना बुरा ही नहीं है। विष्णु, एक और बड़ा बहुत बड़ा आरोप है कि पेड़ लगाने और उसकी प्रचार करने की बड़ी होती है, लेकिन पेड़ फर्जी, ऐसे 50-100 संस्थान खड़े हो गए हैं जो पेड़ लगाने के नाम पे समारोह करके वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन वो पेड़ बचे भी हैं कि नहीं, वनीकरण हुआ है या भी नहीं, ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि केवल अखबारों में छपवाने के लिए पेड़ का पौधरोपण करा दिया जाता है और पेड़ लगवा दिए जाते हैं। नगर निगम JDA क्या कर रहा है, शहर की आप ले लीजिए बात, मैं देश और दुनिया के अलग शहरों की नहीं करूँ, नगर निगम क्या कर रहा है, JDA क्या कर रहा है, वो सबके सामने पता है। कल के अखबार में है कि नगर निगम ने 5 लाख पेड़ लगाए हैं जी। आज मेरा किसी अखबार ने वर्जन में लिया था,
ये 5 लाख पेड़ हर साल लगा रहे हैं, तो 5 लाख पेड़ जाते कहाँ हैं? ये मानक क्यों नहीं बढ़ रहा है? हरियाली का जो हमारा एक मानक है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है? हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वन विभाग में कितने पेड़ नहीं बन रहे हैं? पर ये सवाल आपसे भी है, ये सवाल बड़ा सवाल है कि आखिर में इतने सारे पेड़ लगवा दिए अभी संस्था ने, है कहाँ वो? हमने कल्पतरु ने जो लगाए हैं वो कहाँ हैं? इस बात के सरकार को हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। सरकार आए और देखे कितने पेड़ हमने लगाए हैं, क्या इसका रिकॉर्ड है? पूरा रिकॉर्ड, एक एक पेड़ का, एक एक पेड़ किस तारीख को किस दिन हमने किस आदमी से लगवाया है, वो पेड़ का रिकॉर्ड है। अगर सूखा है तो हमने जाकर के लगाया है। आपका संस्थान सरकारी नर्सरी से पौधे नहीं लेता? लेता है, रसीद लेता है, पैसे देते हैं, रसीद कटवाते हैं, किस तारीख को किस नर्सरी से कितने पेड़ लिए हैं। निःशुल्क नहीं लेता? लेता है, देता कौन है? अरे एक बड़ा सवाल उठता है कि जैसे उठाया कि 5 लाख पौधे लगा दिए, अभी लाखों पौधे हर साल वन विभाग लगा देता है, दूसरी संस्थाएं लगा देती, आखिर में क्या होता, क्या है इनका, कहाँ जाते, कहाँ हैं? झाड़ियाँ लगा देते हैं, 5 लाख झाड़ियाँ लगा देते हैं। झाड़ी वहाँ में आता है कनेर टाइप का, जो एलेश आपका जो गोल्डन डोरेंटा टाइप का जो पेड़ होता है डिवाइडर पर जो लगाते हैं, झाड़ियाँ लगा देंगे, 5 लाख पेड़ लगा दिए। कौन सा आदमी है जो अपने परिवार का सुख चैन आराम छोड़ करके जाकर के इनसे लड़ेगा, आरटीआई लगाएगा या कुछ करेगा? और फिर करेगा तो जब लालच बीच में आएगा कि शांत हो जाओ, तो फिर शांत नहीं बैठेगा, पागलपन तो चाहिए ना साहब। लेकिन ये इनके खिलाफ भी तो कभी आप आवाज नहीं उठाते? आवाज क्यों नहीं उठाते? अशोक गहलोत साहब ने वर्ल्ड हैबिट आर्ट सेंटर चलाया था, ओटीएस में वर्ल्ड हैबिट आर्ट सेंटर, 570 करोड़ रुपए की योजना थी वो, 500 कारों की पार्किंग थी उसमें, उसकी जरूरत नहीं थी। हमने कहा यहाँ 5000 पेड़ कटेंगे, अरे नहीं माने, हमने केस कर दिया, कोर्ट में केस जीते हम, 5000 पेड़ आज खड़े हैं आपके सामने। हमने तो नहीं गए किसी के सामने कि पुरस्कार दे दो, अवैध आवेदन करने नहीं गए। लंबे समय से वृक्षारोपण और इसमें जुटे हुए हो, क्या लगता है कि लोग ईमानदार हैं पर्यावरण को लेके, वृक्षारोपण को लेके? ईमानदार होते तो अपने जन्म पर जो भी पैदा होता है उसके साथ 5 पेड़ लगाते, उसके सांस लेने के लिए, उसके फर्नीचर के लिए, उसके मौत पर जलने के लिए। मैंने 2007 में एक नारा दिया था, हरित भारत हर्षित भारत का, मेरे गांव में, और मैंने ये कहा था कि जो आदमी जिसने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का कोई अधिकार नहीं है। अपने अंतिम संस्कार के लिए तो कम से कम आदमी को पौधारोपण करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए, हमने राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी से कहा, कालीचरण सराफ जी से, आप शिक्षा मंत्री बने हैं जुलाई आने वाला, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा उसके साथ एक पेड़ आप लिख दीजिए। विद्यालय व्यवस्था करेगा, कहाँ लगवानी है, जमीनें खूब खाली पड़ी है, कहीं भी कहाँ लगवाना है वो व्यवस्था आप कीजिए, एक नंबर उसको दीजिए, जब वो पाल कर बड़ा कर दे उसका। कुछ लालच के सहारे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। हमने कहा कल्पतरु संस्थान पेड़ लाएगा, कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, क्योंकि हमारे साथ पूरा बोलियों मिल गया। तो क्या इनके ऊपर विश्वास ही नहीं रहा क्या? नहीं, मैं तो साहब राजनीति से मेरा तो मन नहीं है, इसलिए कोई भी हो, इसलिए मेरे लिए काम करेगा वो मेरा है। तो विष्णु जी, आपका पूरा विश्वास उठ चुका है राजनेताओं से, इसलिए अब आप डाकू की सहायता लेना चाहते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।